Hello everyone, I welcome you all to Sutra Academy once again. Today's video is going to be very important and it's about simple interest. There are three major parts of today's video. Number one, all the formulas related to simple interest. Number two, all types of questions which are being asked in examination related to simple interest. And number three, a contest, in which I'll ask a question to you and you need to answer in comment box. Since it is a contest, the first person who will answer the question correctly will be the winner and I'll announce his name in the next video. So let's start today's video, simple interest. हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले उन फॉर्मूलों की जो हमें यूज में आते हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करते समय. सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मूला बनता है, PRT अपॉन 100, यानी कि प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन 100. प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हमेशा परसेंटेज में रहेगा, 2%, 9%, 10% इस तरह से. और टाइम आपका या तो डेज में होगा, या मंथ्स में होगा, या फिर ईयर्स में होगा. तीनों के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा. फिर हमारी बात आती है प्रिंसिपल की, रेट ऑफ इंटरेस्ट की और टाइम की. आप इसी फॉर्मूले से देखेंगे ये तीनों फॉर्मूले बने हैं, ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट को 100 से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे और रेट और टाइम को डिवाइड कर देंगे तो प्रिंसिपल आ गया. सिंपल इंटरेस्ट को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्रिंसिपल और टाइम को करेंगे आप मल्टीप्लाई, तो यहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा. इसी तरह से आपका टाइम भी आता है. अब देखते हैं अमाउंट. तो आपका मान लीजिए फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं, तो फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है और फर्स्ट ईयर का जो कंप्लीट SI होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, उन दोनों को आप ऐड करेंगे तो वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है और फर्स्ट ईयर का अमाउंट बन जाता है एंड तक का, ठीक है. तो ये आपका इस तरह से है, इसी पे फॉर्मूले पे बेस्ड है ये दोनों. प्रिंसिपल निकालना है तो आपका अमाउंट से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, ठीक है. और अब क्वेश्चंस पे मूव करते समय मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं. तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस. दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन जो हम आज के वीडियो में करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप बहुत ध्यान से उन्हें देखिएगा ताकि उसके आंसर्स आसानी से निकाल सके, ठीक है. पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000 एट 6.14% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम 4th February 2009 टू 18th April 2009, ठीक है. एक एक करके चीज हम लोग बाहर निकालेंगे. सबसे पहले फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, क्या चीज फाइंड आउट करनी है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है. सेकेंड, ऑन अमाउंट दिस, यानी कि इस अमाउंट पर, तो वो आपके पास आ गया प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हमेशा प्रिंसिपल पर ही लगता है. तीसरा है आपका परसेंटेज में, आप एक नंबर देख रहे हैं, परसेंटेज में नंबर होगा तो समझ जाना रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है. तो वो आपका सीधा लिख देता हूं मैं 6 1/4%, और इसको नॉर्मल नंबर में आप चेंज करेंगे, मिक्सड से इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 24/25/4, ठीक है, 25/4 आ गया, परसेंटेज लगा लीजिए साथ में. अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, विच इज टाइम. अब टाइम जो है वो आपको तीन तरह से दिया जाता है, या तो वो डेज में दिया जाएगा, या तो वो मंथ्स में होगा, और या फिर वो ईयर्स में होगा. अगर मान लीजिए यहां पर होता वन ईयर तो हम सिंपल यहां पर वन लिख लेते, अगर होता टू ईयर्स तो हम सिंपल टू लिख लेते, अगर होता टेन ईयर्स तो हम सिंपल यहां पर टेन लिख देते. लेकिन इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके दिया गया है, ये है आपका डेज में दिया गया है. अब आपको क्या देखना है कि एक साल में टोटल डेज कितने होते हैं, 365, तो आप इन डेज को काउंट करेंगे और 365 से डिवाइड कर देंगे. अगर तो ये होता मंथ्स में, मान लीजिए 3 months 4 months 11 months, तो आप मंथ्स को भी क्या करते, ईयर में चेंज करते. तो एक साल में आपके 12 महीने होते हैं, तो आप जो भी आपको मंथ्स दिए जाएंगे उससे आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, आपका टाइम आ जाएगा. फिलहाल हम बात करेंगे दिनों की. इसमें भी एक खास बात ध्यान देने वाली है कि जिस डे से इंटरेस्ट स्टार्ट होता है उस डे को हम काउंट नहीं करते, और जिस डे पर वो खत्म होता है उसे काउंट किया जाता है, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको समझना पड़ेगा. अब आप दूसरी चीज एक और देखेंगे कि फेब का महीना है, फेब के महीने में अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूं तो 28 डेज होते हैं, और अगर मैं लीप ईयर की बात करता हूं तो 29 डेज होते हैं. अब लीप ईयर क्या होते हैं, अगर ईयर्स में
आप 4 से डिवाइड करते हैं और वो नंबर टोटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो लीप ईयर होता है, वहां पर 29 डेज होते हैं फैब के महीने में। और अगर वो नॉर्मल ईयर है यानी कि 4 से डिवाइड नहीं होता तो हम फैब में 28 डेज मानते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे 28 डेज और मैं 4 दिन इसमें से माइनस करूंगा, 4 कौन से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑफ फैब, ठीक है, ये 4 दिन माइनस हुआ तो आपका आ जाएगा 24। फिर एक मार्च का महीना आ रहा है और वो सारे के सारे दिन आ रहे हैं तो मैं उसको ऐड करूंगा तो 31 हो गया। और फाइनल आपका 18 डेज जो है वो आपका अप्रैल मंथ में है जो साफ दिखाई दे रहा है। अब आप इसको टोटल करेंगे तो आपका 73 आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ये डेज हैं, तो डेज को आप ईयर में चेंज करने के लिए 365 से डिवाइड कर देंगे। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा कटने के बाद ये आ जाएगा 1/5, तो ये आपका आ गया टाइम। अब हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास P आ गया, R आ गया, T आ गया, हम सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है ये, P हमारे पास 3000 है, ठीक है, और R हमारे पास क्या है, R हमारे पास में है 25/4, तो 4 नीचे लिख दीजिए, और टाइम आपके पास में है 1 और नीचे 5 आ रहा है, 5 लिख दीजिए, और एक फॉर्मूले वाला 100, ये फॉर्मूले वाला 100 आ गया, ये इसके अपॉन वाला आ गया और ये 1/5 आपका टाइम वाला आ गया, ठीक है। अब देखो ये बड़े आराम से कट जाने वाला है, देखिए कैसे कटेगा ये, आप दो जीरो से ये दो जीरो काट दीजिए, ठीक है, 5 1 5 5 25, ये भी कट गया। अब आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दीजिए, 3 5 15 150 by 4, आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37.5, ठीक है। ये जो आपका अमाउंट निकला है अब वो निकला है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट रुपीज में होता है तो आप यहां पर रुपीज का साइन एंड में लगा दीजिए, ठीक है। तो बहुत आसानी से आ गया, हमने पहले प्रिंसिपल रेट और टाइम अलग अलग निकाल लिया है, टाइम क्योंकि डेज में था तो उसको मैंने क्या किया 365 से डिवाइड करके ईयर्स में चेंज कर लिया, फॉर्मूले पे पुट किया, आंसर आ गया, दिस इज सो सिंपल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बैंक पीओ 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, और सिर्फ पीओ के एग्जाम के लिए नहीं, ये क्लर्क के और एसएससी के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझते हैं, द एसआई एक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2500, यानी ये प्रिंसिपल हो गया, एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, ये आपके पास टाइम हो गया, इज इतना, इसका कनेक्शन सीधा यहां जाके बैठ रहा है, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज इतना एट द सेम रेट एंड द सेम टाइम, ठीक है। यहां पे सिंपल इंटरेस्ट आप देखेंगे, यहां पर बात हो रही है, यहां पर, यहां दिया हुआ है, यहां पूछ रहा है। हम बात करते हैं सबसे पहले सेकंड पार्ट की, सेकंड हाफ से हमारे को फर्स्ट हाफ भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। सेकंड हाफ में आपको देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो ये सेकंड हाफ का मैंने बना दिया, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट जो है आपका 6875 है, यानी कि आपका यहां पे लिख दीजिए 6875, और सेम रेट एंड सेम पीरियड, तो इसमें से आप रेट और पीरियड निकाल लेंगे। आप इसका तो मैंने लिखा ही नहीं, पहले ये लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। द एसआई एक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ दिस, यानी कि अमाउंट आपका आ गया 2500, ठीक है, टाइम आपका आ चुका है 6 ईयर्स, और एसआई भी आपको दे रखी है 1875, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब नहीं दिया तो आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, और आप इधर पर भी वही टाइम और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे रखेंगे, तो आप यहां पर 6 ईयर्स तो आपका टाइम आ गया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखेंगे कि आपका यहां पर भी नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो हम ये एसआई कैसे निकालेंगे। तो हम इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, तीन चीजें हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देते हैं, इसे मैं सॉल्व आपके लिए यहां कर देता हूं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, खुद ही बना लेना है, कुछ आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल कि सिंपल इंटरेस्ट के साथ आप 100 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और अकाउंट में इसको छोड़ दीजिए, तो आपका क्या क्या बच गया, टाइम बच गया और एक प्रिंसिपल बच गया, ठीक है। आप ये लगा दीजिए, प्रिंसिपल टाइम लिख लीजिए या टाइम और प्रिंसिपल एक ही बात है, ठीक है। अब ऐसा ही इस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1875 है, चलो भाई कर लिया, ठीक है, इंटू 100 है वो भी डाल दिया, टाइम आपके पास 6 है वो भी लिख दिया, और प्रिंसिपल आपके पास में 2500 है तो आप वो भी यहां पर लिख दीजिए। अब इसकी कटिंग जो है ना वो फटाफट करनी है, ठीक है। देखो दो जीरो से दो जीरो कट गया, कट गया, 5 5 25, इसको काटेंगे आप 5 से तो देखिए क्या होता है, 5 3 15, 5 7, और फिर ये आ जाएगा आपका 5 लास्ट में, फिर ये भी काट लीजिए आप, कट रहा है 75 आ गया, तो ऊपर तो 75 आ गया, नीचे 6 आ गया, ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 2 6 और 3 25 75 होता है, तो 25/2 आ गया, इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख लेते हैं यहां पे, 25/2
परसेंटेज, ठीक है। तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यानी ये आपने निकाल लिया। आप उसको पॉइंट में भी निकाल सकते हो, लेकिन पॉइंट में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मल्टीप्लाई करते समय, ठीक है। अब यही वाला मेरे को यहां लगाना है इस वाले पे, चलो इसको भी मैं यहां ऊपर सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी हमको अब की बार ये रखना है क्योंकि इसने बोला है, ठीक है, तो यही रखना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 6875 हो गया पी। आर हमने अभी भी निकाला 25/2, तो 25/2 आप लिख लीजिए, इस फॉर्मूले का 100 लिख लीजिए, और टाइम आपका जो है वो 6 दे रखा है, ठीक है। अब आप इसको भी कटिंग कर लेंगे उसी तरीके से जैसे हमने फास्ट फास्ट किया है, आपको फास्ट फास्ट कैलकुलेशंस कर लेनी है। यहाँ पे 25 1 25 25 4 कट गया पूरा, 2 1 2 3 आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो आ जाएगा 5156.25, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी रुपीज में होगा, तो आप यहाँ पे रुपीज का साइन लगा लीजिए। फिर से समझाता हूं, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमारे पास प्रिंसिपल, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे, और यही टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहां यूज करना है ताकि हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सके। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछ सकता है दो अलग अलग पार्ट में। हम कंफ्यूज यहां पर होते हैं प्रिंसिपल अमाउंट को लेकर के या फिर सिंपल इंटरेस्ट को लेकर के, तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पहले देखना है, समझना है, और उसके हिसाब से वैल्यूज पुट करनी है। दो अलग अलग हाफ चल रहे हैं क्वेश्चन के, तो दो अलग अलग आपने पार्ट बना लिए, ठीक है, उस हिसाब से वैल्यूज डाल दीजिए। चलिए अब चलते हैं अपने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जो कि कॉम्पिटिशन के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों ये दो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों के दोनों कॉम्पिटिशन के एग्जाम में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं, और आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। देखिए, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टन सम विल बी डबल्ड इन 15 इयर्स। अब देखो, अगर मैं देखूं ध्यान से तो इसमें एक ही नंबर दे रखा है और वो है टाइम का, जो कि 15 इयर्स है। आपको प्रिंसिपल दे नहीं रखा, तो आप प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे, यहां पे पी मान लेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यही जो पी है, यही अमाउंट डबल हो जाती है, तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगता होगा बच्चों। अगर मान लो 100 रुपए का है और वो 200 हो जाए, तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगा, 100 रुपए का। यानी कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट सेम हो जाता है जब कभी भी अमाउंट डबल होने की बात होती है। तो हम उसके सिंपल इंटरेस्ट को भी क्या रख सकते हैं, पी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको सिंपल इंटरेस्ट रख देंगे तो वो कैलकुलेशन में आपको बहुत मुश्किल आएगी, वो होगा ही नहीं, आंसर आपका आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम देखेंगे कि डबल हो रहा है तो दोनों को पी और पी रख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हमें निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप देखें, बहुत ही सिंपल है, अभी हमने किया भी था, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टी इंटू पी, यही था। अब सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि हमारा पी है यहां पे, तो मैंने पी रख दिया, 100 की जगह 100 रख दूंगा, और टी जो है मेरा टाइम, वो मेरे को दे रखा है 15, तो मैं यहां 15 लिख लेता हूं, और प्रिंसिपल की जगह पी ही दिया है तो मैं पी रख लेता हूं, ठीक है। अब देखो कितना आसानी से आंसर निकल गया आपका, पी से पी कट गया, ये 5 से कट रहा है, 5 3 15 और 5 20, तो आपका आंसर आ गया 20/3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 3 6 18 और प्लस 2 20, 20/3, और क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है तो आप परसेंटेज लगा देंगे, वहां रुपीज मत लगा दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन कुछ इसी किस्म का है, उसमें टाइम निकालना है। इन हाउ मेनी इयर्स आपको टाइम निकालना है, तो टाइम क्वेश्चन मार्क में आ गया, सम ऑफ अमाउंट विल बी डबल्ड, ठीक है। यानी कि अब इसमें भी सम ऑफ अमाउंट जो है वो डबल हो गया, तो फिर से मैं क्या करूंगा, पी को भी पी रख दिया मैंने और एसआई को भी मैंने पी रख दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिया हुआ है तो 6 1/4 है, इसको नॉर्मल फिगर में चेंज कर लीजिए तो 25/4 आ जाएगा, ठीक है। और अब की बार मेरे को टाइम का फॉर्मूला लगाना है, तो जैसे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाला वैसे ही टाइम का निकल जाएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है, आपके समझ में आएगा होगा फॉर्मूला कैसे बनता है। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैंने पी रख लिया मल्टीप्लाई बाय 100, और नीचे प्रिंसिपल की जगह पी रख लिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना है, 25/4। अब आप यहां पे देखेंगे कि इसके नीचे 25/4 ऐसे आएगा, तो इसका यह मतलब नहीं है कि 20 रख दिया और 4 नीचे रख दिया, वो गलत हो जाएगा। आप ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, 25 को नीचे रख देते हैं और 4 को आप यहां रख देते हैं। बस आप ये तरीका समझ लीजिए कि उस नंबर को हम लोग रेसिप्रोकेट कर देते हैं और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, इन केस नीचे वाला नंबर फ्रैक्शन में आता है तो, ठीक है। अब आप देखिए, पी से पी कट गया, 25 1 25 4, और ये आपका आ गया 4 4 16। अब देखिए आप यहां पर ये पर एनम की बात कर रहा है, साल की बात कर रहा है, और क्वेश्चन में हाउ मेनी इयर्स लिखा है, यानी कि ये मेरा किस में निकल गया, इयर्स में। आप अगर ये यूनिट नहीं लगाते हैं तो आपका वो इनकम्प्लीट माना जाएगा और उसके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये मैंने सिखा दिया कि अगर आपके पास रेट जो प्रिंसिपल है और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है उसमें बात करते हैं कि अमाउंट जो है वो डबल हो जाए, तो इस कंडीशन में आप दोनों को सेम मान सकते हैं, आप एक्स एक्स भी ले सकते हैं, आप जेड जेड भी ले सकते हैं, आप कोई भी चीज ले सकते हैं, ठीक है।
तो हमने निकाल लिया यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहां पर हमने निकाल लिया टाइम। अगर यहां पर मेरे को नॉर्मल ये दिया होता, कोई रुपीज दिया होता, 2500 दिया होता, सिंपल इंटरेस्ट कुछ दिया होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैं यहां वैल्यू पुट कर देता, आंसर निकल जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो क्वेश्चन समझ लिया, अमाउंट वाले भी और अगर अमाउंट ना दिया जाए तो भी, ठीक है। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाता है, इसीलिए हम उसको प्रिंसिपल प्रिंसिपल मानते हैं। तो आइए अब चलते हैं अपने बाकी के और क्वेश्चंस पर, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी हमने किया। अब हमारे सामने है बहुत ही मजेदार और इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आप देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल जो भी होगा सिंपल इंटरेस्ट 4/9 होगा उसी का। आप देखेंगे प्रिंसिपल आपके पास है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो उसको पी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, जो आपकी इच्छा है आप मान लीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट इसका क्या है, 4/9 है उसी का, तो हमने क्या कर दिया, 4/9 ऑफ पी कर दिया, ठीक है। अब कहता है फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम, आपको रेट परसेंट भी निकालना है, टाइम भी निकालना है, इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। आप समझ लीजिए इसको कि न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब क्या हुआ, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1% हुआ तो आपका टाइम 1 ईयर हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% हुआ तो आपका टाइम 10 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तो मैं रेट परसेंट लिख देता हूं उसको, जो कि मुझे निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। हमने इस तरह से कुछ वैल्यूज निकाली हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले पे फिट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट क्या है मेरा, 4/9 पी है, तो मैं सिंपल यहां लिख देता हूं 4/9 पी, ठीक है। अब प्रिंसिपल मेरा क्या है, पी है, तो मैं यहां पर पी लिख देता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने आर परसेंट माना था, यानी आर बाय 100 हो गया, और टाइम भी क्या है यहां पे हमारे सामने, आर है, तो मैं उसको आर रख लूंगा, ठीक है। अब आप देखिए इस तरफ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आर इंटू आर मिलकर के आर स्क्वायर बन जाएंगे, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा, ठीक है, आर स्क्वायर लिख दिया। अब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है, तो मैं इसको इसी साइड रखूंगा, बाकी नंबर्स को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप एक साइड में रख लीजिए आर स्क्वायर, और अपोजिट साइड में अब क्या होने वाला है कि ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और नंबर्स आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो 4p into 100 ऊपर चला गया, और ये 9 के साथ में p क्या हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल हो रहा है। अब देखिए आप p से p आपका कट चुका है, ठीक है, और कोई नंबर इसमें से कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 400/9 हो जाएगा, हो गया 400/9। आप देखोगे यहां पे स्क्वायर है, स्क्वायर उस साइड जाकर के क्या बनता है, स्क्वायर रूट बन जाता है, अगर यहां क्यूब होता तो वो क्यूब रूट बन जाता, ठीक है। तो स्क्वायर को मैं स्क्वायर रूट में अगर इनको डालता हूं 400/9 को, तो वो आपका क्या आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका परसेंटेज में, इसने कहा था निकालने के लिए, तो मैंने उसको परसेंट में निकाल लिया, 20/3%। इसको आप दूसरी फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/6 = 18+2 और परसेंटेज, तो ये दोनों के दोनों आंसर आपके सही हैं, ठीक है। एक चीज हमारे सामने आ चुकी है, अब उसने हमें क्या कहा था कि जो टाइम है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का न्यूमेरिकली इक्वल है, यानी कि 6/2/3 years में जो आएगा वो आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है। मैं यहां नीचे सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो टाइम भी क्या हो जाएगा आपके पास में, 6/2/3 years हो जाएगा। अब इसको अगर मैं नॉर्मल ईयर्स और मंथ में चेंज करता हूं, तो आप देखिए 6 ईयर्स तो डायरेक्ट आ गया आपका, तो 6 ईयर्स हो गया, और बाकी जो है वो आपके मंथ्स के फॉर्म में है, तो 2/3, ठीक है, 2/3 ऑफ 12 आप करके देखिए 2/3 ऑफ 12 करिए, 3 1 3 4 4 2 8, यानी ये सिंपल आ गया आपके पास 8 months, और हमारा आंसर यहां पे आ चुका है, ठीक है। हमारा आंसर यहां पर क्यों आ चुका है, क्योंकि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया परसेंट में, और वही न्यूमेरिकल इक्वल हमने कर दिया है उसको टाइम के साथ में, जो कि 6 ईयर्स और 8 मंथ्स आ चुका है। आप हर क्वेश्चन में एक चीज देख रहे हैं कि आपको जो है वो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके पास जो जो चीजें गिवन है पहले उसको लिख लीजिए, फिर फॉर्मूले पे उसको पुट करिए, कभी भी आंसर आपका गलत नहीं आएगा। आपको ये गिवन पहले जरूर लिखना है, और उसी से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगा करके मैं क्या चीज निकालने वाला हूं। क्वेश्चन है, ए मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 7%, यानी उसके पास जो भी कैपिटल है, हमारे पास कैपिटल तो है नहीं वो वाला अमाउंट, तो वो जो है उसका 1/3 पार्ट जो है वो खर्च करता है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से,
और 1/4 पार्ट उसका 8% के हिसाब से एंड द रिमाइंडर एट 10%। जो रिमाइंडर है वो किससे पहले खर्च करेगा, पहले वो निकाल लेते हैं कितना पार्ट उसका खर्च करेगा। तो एक पार्ट आ गया उसका 1/3 प्लस कर लो, एक पार्ट आ गया 1/4 और ये टोटल पार्ट से कितना कम है आप ये निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1 से, क्योंकि 1 पार्ट में से ही हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 पार्ट में से निकालेंगे, जब आप इसका पार्ट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 5/12, यानी कि हमारे पास में जो तीसरा पार्ट आ गया 10% के हिसाब से वो 5/12 पार्ट ऑफ हिज कैपिटल खर्च करता है। अब कहते हैं इफ हिज एनुअल इनकम इज 561, उसका जो एनुअल इनकम है वो सिर्फ 561 है, तो फाइंड द कैपिटल यानी कि वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमें यहां पर निकालना है, ठीक है। ये 5/12 आप याद रखिएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पार्ट को और सेकंड वाले पार्ट को और थर्ड वाले पार्ट को प्लस कर दूंगा, वो जो अमाउंट आएगा पूरा मिला करके रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पूरा मिला करके वो 561 आएगा। तो अब मैं पार्ट बनाऊंगा, पार्ट कैसे बनेगा, 1/3, तो इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला लगता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो मैं इसमें लगाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मेरे पास है नहीं, मैं उसको एक्स मान लेता हूं, तो वो 1/3x हो जाएगा, जिसे मैं x/3 भी कह सकता हूं। कह दिया, ये मैंने प्रिंसिपल उतारा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 7, तो 7/100 हो गया। टाइम आप देखेंगे यहां पर एनुअल एनुअल की बात हो रही है हर जगह, तो वो आ जाएगा 1 यानी एक साल, क्योंकि और कोई ईयर यहां पर दिया नहीं है आपको, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया उसका, सिर्फ एक पार्ट है ये 1/3। अब मैं उसमें ऐड भी तो करूंगा सेकंड पार्ट उसका, सेकंड पार्ट क्या है 1/4, यानी कि x/4 आप उसको समझ लीजिए, x/4 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें लग रहा है 8, तो 8/100 हो गया और ईयर फिर हो जाएगा उसका 1, ठीक है। दो चीज हमारे सामने आ गई, तीसरा हमने क्या निकाला था 5/12, ये रिमाइंडर जो है यानी कि रिमेनिंग पार्ट वो क्या है 5/12 है, तो 5/12x हो गया इनटू 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका दे रखा है तो 10/100 हो गया और ईयर में ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसे कुछ इस तरह से सॉल्व करना है, आप ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लें तो 7x/300 हो जाएगा, ये 7x/300 और हाँ इक्वल टू के उधर पे आप लिख देंगे 561, क्योंकि ये सारा टोटल करके कितना बन रहा है, उसका टोटल इनकम कितनी बन रही है 561 बन रही है, ठीक है। तो 7x/300 आ गया, प्लस कर लीजिए इसको, तो ये आपका देखो ये कट रहा है 4 1 4, 4 2 8, इसको काट दो, ठीक है। 100 को नीचे रहने देते हैं, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x/100 हो गया, ठीक है। प्लस ये वाला देखते हैं हम लोग, अब इसमें भी आप कोई काटो मत, नंबर काटने की जरूरत नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा आपका 50x/1200, ठीक है। अब आप बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं इसको, एलसीएम लेकर के आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको है ना ऊपर सॉल्व कर देता हूं, ये मिटा देता हूं, इसको मैं यहां पर ऊपर सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। अब देखेंगे आप इसका एलसीएम निकाल करके, जो हम लोग एडिशन करते हैं क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर में है, आता तो है आप लोगों को, इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट कर दूंगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा यहां पे 28x प्लस 24x और प्लस 50x, कुछ इस किस्म का नंबर आएगा हमारे पास में, आप लोग कर सकते हैं रफ में कैलकुलेट, ठीक है। 561 है इक्वल टू के उधर, वो वैसे का वैसे ही रख देंगे, इसको आप प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 102x/1200 इक्वल्स टू 561, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और x की वैल्यू निकाल लूंगा, और x क्या है हमारा, वही कैपिटल अमाउंट है, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा जो हमको निकालना है। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 1200 से 561 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे और नीचे जो है 102 आ जाएगा, तो 102 में ऐसे लिख देता हूं। इसको कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका है, इसको आप काटिए 5 से, ये कट गया 5 से नहीं, इसको 2 से काटना है, सॉरी 2 से काटा तो 51 आ गया, इसको काटेंगे तो आपका 600 आ गया, ठीक है। 51 से आप ये काट सकते हैं, 51 11 आपका 561 होता है। कैलकुलेशन देख लें आगे, तो ये आपका आ जाएगा 6600, और क्योंकि ये एक अमाउंट है, कैपिटल है, ठीक है, प्रिंसिपल है, तो वो आपका रुपीज में होगा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाता हूं आपको, फटाफट से समझेंगे इसको, कि हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट के प्रिंसिपल के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, तीन अलग अलग थे तो तीनों को अलग अलग निकाल लिया, उनको आप प्लस कर लेंगे तो टोटल हमारे पास जो है जो अमाउंट है उसकी एनुअल इनकम वो निकल जाएगी। और क्योंकि मेरे पास यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया गया, प्रिंसिपल को मैं एक्स लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। तो वही मैंने किया यहां पर, कैलकुलेशन करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 6600, ठीक है। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पे आपको थोड़ा सा गौर करना है। चलिए इसके साथ में हम लोग चलते हैं आप कुछ उस क्वेश्चन पे जहां पर हमें अमाउंट पूछा जाता है, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं आज का फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट
एट 13 1/2% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आ गया पर एनम अमाउंट्स टू इतना, यानी कि किसी अमाउंट पर सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई होने के बाद जो अमाउंट बनता है वो ये बनता है, यानी कि ये आपके पास में अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है और टाइम आपको 4 इयर्स का दे रखा है। चलिए जो जो चीज दिए लिखते जाते हैं, प्रिंसिपल हमारे पास है नहीं, वो निकालना है, तो पी को पी मान लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 13 1/2 है, तो भैया 13 1/2% लिख दिया हमने, ठीक है। इसको नॉर्मल फॉर्म दे देंगे तो ये आपका बन जाएगा 27 बाय 2, ठीक है, परसेंटेज लगा लीजिए इसमें। टाइम आपके पास 4 दिया है, 4 लिख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे और अमाउंट जो है वो हमारे पास कितना है 2502.50, ठीक है, बहुत सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, पीआरटी अपॉन 100, पी कितना है, पी भाई पी ही है तो पी को पी रख दो, ठीक है। आर 27 बाय 2 है तो उसको 27 होल बाय 2 कर दीजिए, क्योंकि ये परसेंट में रहता है, 100 लगा दीजिए। टाइम यहां पर 4 है तो 4 से इंटू कर दिया, ठीक है। अब इस हिसाब से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे अपना। आप देखिए 4 1 4 4 25 100 होता है, तो ये आपका आ जाएगा कुछ 27 बाय 50 पी आ गया। अब हमारे पास ऑलमोस्ट चीजें आ चुकी हैं, हम अमाउंट के फॉर्मूले पे इसको पुट करेंगे और इस हिसाब से हमारा प्रिंसिपल जो है वो निकल करके सामने आएगा। कैसे आएगा, अमाउंट कितना दे रखा है हमारे को 2502.50 लिख दिया भैया, 2502.50, ठीक है। प्रिंसिपल हमारे पास पी ही है और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 27 बाय 50 है, तो हम इसको लिख देंगे 27 बाय 50 और पी साथ में है तो आपको पी साथ में रखना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, इस साइड वाले को पहले कैलकुलेट करता हूं, तो ये कुछ आएगा 50, यहां पे आ जाएगा 50p प्लस 27p, ठीक है, ऐसे करके आ गया। और ये वाले अमाउंट को आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब ये आप देखेंगे 77p बाय 50 हो जाएगा, तो 77p बाय 50 मैं यहां लिख देता हूं इसको 77p बाय 50। जब P को हम वही छोड़ देंगे और वो नंबर जब यहां लाएंगे तो उस नंबर का क्या होता है, उल्टा हो जाता है, 50 ऊपर 77 नीचे, ठीक है। और फिर हम उसका आंसर निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके, बहुत आसान हो जाएगा, 50 ऊपर और 77 नीचे, ठीक है, और इक्वल टू के उधर पे P, यानी इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा जो हमारे को निकालना था। तो आप इसको रफ में कैलकुलेट करिएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1625, ठीक है। तो आपके पास में प्रिंसिपल आ गया 1625, समझ लीजिए इसको फिर से, प्रिंसिपल को पी माना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ चुका है, टाइम भी आ चुका है, सिंपल इंटरेस्ट हम इस फॉर्मूले पर रख के निकाल लेंगे, तो ये भी पी के फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा। अमाउंट हमको दिया है, अमाउंट के फॉर्मूले पर डाला और हमने पी बड़े आसानी से निकाल लिया है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कोशिश करूंगा उसको और अच्छे से समझाने की किसी और वीडियो में अपने। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि जो वीडियो का एंड पार्ट होगा वो होगा कॉन्टेस्ट, ठीक है। कॉन्टेस्ट तो सही है, लेकिन मैंने ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन दे दिया है, आप इसको चुटकी बजा के कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹68,000 एट 16 2/3% पर एनम फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। फटाफट से इसका आंसर आप निकालिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि जो भी विनर होगा उसका नाम मैं अगले वाले वीडियो में अनाउंस करूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया अपना आज का वीडियो सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है। और आने वाले टाइम पर मैं मिलूंगा आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ में, और बहुत ही सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। और हाँ, वो क्वेश्चंस आपके किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए होंगे, ताकि वो आपको आने वाले एग्जाम्स में भी काफी हेल्प करें, ठीक है। तो आप चलते हैं, नमस्कार।